मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अंतर्गत सहरसा यार्ड का रिमॉडलिंग कर 158 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित कार्य से निम्नलिखित सुविधा मिलेगी। 20 कोच वाली मेमो डेमो टर्मिनेटिंग ट्रेनों के लिए 2 पूर्ण लंबाई वाले आइलैंड पीएफ और 2 डॉक वाले प्लेटफॉर्म सह अतिरिक्त पिट लाइन के चालू होने के बाद वर्तमान आवश्यकता और अनुमानित यातायात को पूरा करेगा। वाशिंग पीट से सीधे जुड़ी 4 पूर्ण लंबाई वाली स्टेबलिंग लाइन से कोचिंग रेक को अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। 2 पूर्ण लंबाई वाली डायरेक्ट डिलीवरी गुड्स शेड लाइनें प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 की लंबाई का विस्तार करने के लिए लाइट आरओबी की प्रावधान के साथ एलसी गेट संख्या 31 लिस्केके को स्थानीय स्थानांतरित करना। मुख्य लाइन से सीधे जुड़ी एआरटीएआरएमई साइडिंग की दोहरी प्रवेश निकास लंबी लीड के स्थान पर छोटी लीड शंटिंग मशीन टावर बैगन और इंजन स्टेबलिंग लाइनें। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह, श्री शशि भूषण सिंह, शशि शेखर झा, जदयू नेता प्रोफेसर हरिनारायण यादव, अमर यादव, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष श्री विनय कुमार यादव, जदयू जिला प्रवक्ता डॉक्टर लुत्फुल्ला, वीरेंद्र यादव, अभिषेक रिके उर्फ बाबू सहित अन्य मौजूद थे। देखिए पीएम गति शक्ति योजना में 158 करोड़ रुपया सहरसा यार्ड के रिमॉडलिंग के लिए स्वीकृत हुआ है और हम समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा यहाँ तो उसमें शायद उसका शिलान्यास वगैरह हो, लेकिन योजना की मंजूरी हो गई। उसमें दिक्कत सहरसा में थी जो हम लोग डिमांड करते थे कि बाहर से भी, दक्षिण भारत से भी, सभी जगह से गाड़ी सहरसा आवे, तो यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए रेल नहीं था, जो स्टील लाइन जिसको कहते हैं, तो इसमें 5-6 रेल लाइन स्टील लाइन की व्यवस्था है। अन्य सुविधा जो होती, जो मेडिकल वाहन वगैरह होता है, इमरजेंसी क्रेन वगैरह के लिए, उस सब के लिए भी अलग से लाइन होगा और गुड सेड की जो माल जो उतरता है उसके लिए भी प्लेटफॉर्म 2 बनेगा और वह पूरा कवर रहेगा उस छज्जा से, तो यह सब सुविधा है। और सहरसा स्टेशन आर का तो पहले से 40-45 करोड़ रुपये की लागत से विकास सहरसा में हो रहा है। अभी ही देखने से आप देखिएगा तो लगेगा कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तरफ अग्रसर हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन तो नहीं, लेकिन उस दिशा में सहरसा आगे बढ़ रहा है। सहरसा मुख्य जगह पर सहरसा जंक्शन है, यहाँ से कई दिशा में गाड़ी जाती है और हम समझते हैं कि इसका विकास होने से और सभी दिशा के यात्रियों जो रेल लाइन गया उन लोग को भी सुविधा होगी। और एक वाशिंग पीट था तो दूसरा अतिरिक्त वाशिंग पीट भी बन गया और मानसी सहरसा का दोहरीकरण हो, इसके लिए भी फाइनल लोकेशन का सर्वे हो गया, डीपीआर उसका बन रहा है। जब डीपीआर बन के आएगा तो रेलवे बोर्ड में जाएगा, फिर मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। सहरसा से लहरिया सड़क तक भी नई रेल लाइन बने, उसके डीपीआर बन गए थे लेकिन उसका कॉस्ट अधिक हो गया, 2600 करोड़ रुपया से कुछ अधिक राशि का डीपीआर बन गया, तो रेलवे बोर्ड कहा कि नई राशि को थोड़ा कम करिए और उस पर काम हो रहा है, वह जब आएगा फाइनल होके फिर इसकी स्वीकृति के लिए भी हम लोग लगेंगे। और सहरसा से लहरिया सराय बन जाए, सहरसा से मानसी दोहरीकरण हो जाए, यार्ड का रिमॉडलिंग हो जाए, तो हम समझते हैं कि कुछ बचेगा नहीं सहरसा के लिए।